नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेशियंस में। आज हम दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ इस्कॉन मंदिर के स्वामी महामंत दास और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक। दूसरी बड़ी खबर, जिसमें किसानों के साथ हो रही ज्यादती पर माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार को दी चेतावनी। जी हाँ, इस्कॉन मंदिर के स्वामी महामंत दास जी ने अखिलेश जी को आशीर्वाद देते हुए भविष्यवाणी की है कि सन 2022 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, उनकी शुभकामनाएं अखिलेश जी के साथ हैं। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने विकास कार्य कराए थे, उन्होंने नीतिपूर्ण काम किया है, सभी के प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए। स्वामी महामंत दास जी ने कहा है कि समाज संकट में है, भाजपा का एजेंडा विनाशकारी है, अखिलेश जी का एजेंडा सद्भाव का है। समाजवादी सरकार में ही राज्य के कल्याण के कार्य हुए हैं, अखिलेश जी की बेदाग छवि है, वे समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हैं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में समाज और प्रदेश का भला हो सकता है। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए फिर से ट्वीट कर लिखा कि आज जिस तरह छल बल का प्रयोग कर भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन को कुचल रही है, उससे किसानों के साथ साथ हर सच्चे भारतीय की आत्मा रो रही है। किसान अगले चुनाव में सरकार की क्रूरता का जवाब वोट से देंगे। आज भाजपा जिन किसानों को सड़क से उठा रही है, वो कल भाजपा को ही सड़क पर ले आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।